आज हम लोग ITI के लिए जो क्वेश्चन तैयार हुए हैं वो आपके शेयर और लाभांश से लिए गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें शेयर और लाभांश है, शेयर एंड डिविडेंड। इसका क्वेश्चन हमने फर्स्ट लिया है कि एक स्टॉक के 150 शेयरों पर, एक स्टॉक का 150 शेयरों पर कितना वार्षिक लाभांश मिलेगा यदि त्रिमाही लाभांश की राशि 4.25 रुपया प्रति शेयर है। यानी जो लाभ मिल रहा है वो 150 शेयर के लिए है और वो क्या मिल रहा है, त्रिमाही लाभांश की जो राशि है वो 4.25 रुपया है। तो इस पर हमें निकालना है, निकाल लेंगे हम वार्षिक लाभांश प्रति शेयर, यानी वार्षिक जो लाभांश होगा वो कितना होगा एक शेयर पर। वार्षिक लाभांश, वार्षिक लाभांश प्रति शेयर, यानी आप एक शेयर के लिए लाभ कितना हो रहा है एक वर्ष में, तो उसके लिए आपका हो जाएगा 4.25 रुपया और गुने 4.25 रुपया एक के लिए है, तो हमें तो एक शेयर है तो यहाँ पे 3 महीने का है, तो 3 महीने का मतलब हुआ कि साल भर में 4 बार आएगा ही, तो 4.25 × 4 रुपया। थोड़ा समझ लेना है कि आपका वार्षिक लाभांश मिले यदि त्रिमाही लाभांश की राशि ये दे रहा, 4.25 रुपया जो है आपका त्रिमाही लाभांश की राशि है, यानी एक 3 महीने पर 4.25 रुपया है। तो हम यहाँ पे वार्षिक लाभांश प्रति शेयर निकाल रहे हैं, यानी 3 × 4 है, 4 बार आएगा त्रिमाही साल भर में, तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो 70 रुपये आ जाएगा आपका। यानी एक शेयर के लिए जो वार्षिक लाभांश है आपका वो 17 रुपये आ रहा है। तो हमारा क्या है, 150 शेयर है तो उसके लिए निकालेंगे, इसलिए 150 शेयरों का वार्षिक लाभांश, 150 शेयरों का वार्षिक लाभांश क्या होगा। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि हमारा जो 17 रुपया था वो एक शेयर के लिए आ रहा है, तो 150 शेयर का, तो 150 × 17 रुपया, अब इसको गुना कर दीजिए, 0 के 0 17 × 85 17 × 17 और 8, 8 × 7 = 15, यानी 2,550 रुपया, 2,550 रुपया 150 शेयरों के लिए वार्षिक लाभांश मिलेगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक सीमेंट कंपनी के 10% वार्षिक लाभांश घोषित किया। सीमेंट का कंपनी है वो क्या कर रहा है कि 10% वार्षिक लाभांश घोषित कर रहा है, यानी एक साल का। रूबी के पास 75 रुपया सममूल्य के 2,000 शेयर हैं। रूबी के पास क्या है कि 75 रुपया के लगभग मूल्य का 2,000 शेयर हैं, तो उसे कितना लाभांश प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, 75 रुपया सममूल्य के 200 शेयर हैं, तो यहाँ पे वार्षिक लाभांश 10% वार्षिक लाभांश घोषित कर रहा है, तो उसे कितना लाभांश प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2,000 है, तो 2,000 शेयरों का मूल्य, 2,000 शेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 75 रुपये की दर से है तो 2,000 और गुना 75, ये कितना आ जाएगा, गुना कर ये आपका जो समूल के 2,000 शेयर नहीं 200 शेयर है, सॉरी 200 शेयर के लिए,
तब यहाँ हम लोग 200 को गुना करेंगे, तो 200 गुने 75 करेंगे तो ये 75 दूना 150 और 00 15,000 हो जाएगा। 15,000 रुपया, यानी रूबी के पास 75 रुपया सब मूल्य के 200 शेयर हैं, तो 200 शेयरों का मूल्य कितना होगा, तो 200 गुने 75 यानी 15,000 रुपया हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं कि 10% वार्षिक लाभांश घोषित किया, तो उसे कितना लाभांश प्राप्त होगा, तब यहाँ से हम लोग लाभांश निकाल लेंगे। तो लाभांश बराबर क्या होगा, तो टोटल 15,000 है तो 15,000 हो जाएगा और गुना 10% कर रहा है तो 10/100 हो जाएगा। तो 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1500 रुपया जो है लाभांश प्राप्त होगा, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। करीम को 10 रुपया सम्मूल्य के 125 शेयर के लिए, करीम को 10 रुपया सम्मूल्य के 125 शेयरों के लिए वार्षिक लाभांश कितना मिलेगा यदि वार्षिक लाभांश 4% हो। क्वेश्चन समझेंगे कि करीम को 10 रुपया सम्मूल्य के 125 शेयर के लिए वार्षिक लाभांश कितना मिलेगा यदि वार्षिक लाभांश क्या करें आपका 4% हो। तो 125 शेयर है और कितने मूल का है, 10 रुपये का है, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल यानी कितना आएगा, तो 125 गुना 10 रुपया यानी 1250 रुपया आ जाएगा। आप कह रहा है कि वार्षिक लाभांश कितना मिले यदि वार्षिक लाभांश 4% हो, वार्षिक लाभांश क्या करें 4% हो, तो लाभांश क्या हो जाएगा, यहाँ पे वार्षिक लाभांश दिया हुआ है 4%, तो लाभांश क्या हो जाए, तो 1250 गुने 4/100 आ जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 से काटेगा 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, यानी आपका 50 रुपया लाभांश हो जाएगा, 50 रुपया लाभांश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि 3% के स्टॉक से 120 रुपया की वार्षिक आय होती है तो स्टॉक की संपत्ति बताएं, यानी 3% के स्टॉक से 120 रुपया की वार्षिक आय हो रहा है तो स्टॉक की संपत्ति बताएं। तो माना कि माना कि स्टॉक की संपत्ति इक्वल टू एक्स रुपया। आप क्या करें, 3% के स्टॉक से 120 रुपया की वार्षिक आय होती है, यानी एक्स का 3% इक्वल टू 120 या एक्स गुने 3/100 और इक्वल टू 120 या लिख सकते हैं 3x/100 इक्वल टू 120, 3 से कट जाएगा 40 बार में, तब क्या आएगा, x/100 × 40 या x इक्वल टू क्या होगा, 4 पे 000, 4000 रुपया। तो अगर 3% के स्टॉक से 120 रुपया की वार्षिक आय होती है तो स्टॉक की संपत्ति क्या हो जाएगा आपका, 4000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4000 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 रुपये वाले 80 शेयर आपको 12.50 रुपये की दर से खरीदने पर कितना लाभ होगा। 15 रुपये वाला 80 शेयर है तो 12.50 रुपये की दर से खरीदने पर कितना लाभ होगा।
अब यहाँ पे है कि 15 रुपये वाला 80 शेयर 12 रुपये 50 रुपये की दर से खरीदने पर तो अंकित मूल्य जो शेयर का है आपका, अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 15 रुपया है। लेकिन इसको बाज़ार में क्या कर रहा है कि 12 रुपये 50 पैसे पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बाज़ार मूल्य क्या हो गया, 12 रुपया 50 पैसा, ये आपका बाज़ार मूल्य है। तो लाभ क्या है इसका, यानी इसका जो ओरिजिनल मूल हो जाएगा, ये दोनों में अंतर आ जाएगा। शेयर का लाभ, एक शेयर का लाभ कितना आ रहा, तो 15 रुपया जो था उसे 12 रुपया 50 पैसे, 12 रुपया 50 पैसे बाज़ार मूल्य था लेकिन 15 रुपया वो अंकित मूल्य था, तो इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 00 12 50 0, 10 में से 5 गया, 4 में से 2 गया, 2 रुपया 50 पैसा। यानी 2 रुपया 50 पैसा जो है एक शेयर का लाभ हो रहा है, 12 रुपया 50 पैसे के दर से खरीद रहा लेकिन उसका मूल था 15 रुपये, तो इसे लाभ हो जा रहा है 2.5 रुपये का। तो हमें क्या करना है अब कि यहाँ से 80 शेयर, एक शेयर का ये निकल रहा है 2.5 रुपया, तो 80 शेयर का क्या हो जाएगा, इसलिए 80 शेयरों का लाभ, 80 शेयरों का लाभ जो हो जाएगा आपको वो 80 × 2 रुपया 50 पैसा, 80 × 2 रुपया 50 पैसा। जब इसे आप गुना करेंगे तो ये 200 रुपया आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 200 रुपया। टाटा स्टील कंपनी के 60 शेयर का नगद मूल्य क्या होगा, टाटा स्टील कंपनी के 60 शेयर का नगद मूल्य क्या होगा जबकि 100 रुपया का शेयर जो है 500 रुपया पर मिलता है तथा लाभांश क्या हो रहा है, 20% हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 60 शेयर है उसका नकद मूल्य क्या है, 100 रुपया है, 60 शेयर का नकद मूल्य क्या है, 100 रुपया है। 60 शेयर का नकद मूल्य क्या होगा जबकि 100 रुपया का शेयर 500 रुपया पर मिलता है, 100 रुपया का जो शेयर है वो 500 रुपया पर मिलता है। तो 60 शेयरों का मूल्य, तो 60 शेयरों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आपका 60 × 100 रुपया, यानी ये आपका 6000 रुपया हो जाएगा, 6000 रुपया। आप क्वेश्चन में क्या करना है कि आपका जो 100 रुपया का शेयर है वो 500 रुपया मिल रहा है और लाभांश कितना रहा है, तो 20% लाभांश हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो 6000 रुपया आया ये तो आपका अंकित मूल आ गया है, क्या आ गया आपका, अंकित मूल्य, यानी इतना मूल्य इसका अंकित है, तो 6000 रुपया जो है आपका अंकित मूल आ रहा। तो यहाँ से हमें क्या कर रहा है कि 500 रुपया पर मिल रहा है, जो आपका 100 रुपया का शेयर है वो कितने पर मिल रहा है, 500 रुपये पर मिल रहा है। तो लिखेंगे कि चूँकि 100 रुपया जब अंकित मूल है, चूँकि 100 रुपया जब अंकित मूल है तो 100 रुपया जब अंकित मूल है तो आपका आपका जो है 6000 पर उपलब्ध हो रहा है, 6000 रुपया पर उपलब्ध हो रहा है। 100 रुपया जब अंकित मूल है तो 500 रुपया पर मिल रहा है, कितना पर मिल रहा है, 500 रुपया पर उपलब्ध है।
इसलिए एक रुपया जब अंकित मूल्य है तो क्या हो जाएगा 500। इसलिए जब एक रुपया जब अंकित मूल्य है तो क्या हो जाएगा 500 बटा 100 रुपया पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे 6000 है, तो 6000 के लिए क्या हो जाएगा उसी तरह से, तो 500 बटा 100 और गुने 6000 रुपया। अब इसे यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है आपका 500 बटा 100 और गुना 6000 रुपया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी आपको 0 0 0 और 6 5 30 काई दहाई सैकड़ा 30000 रुपया। यानी क्या हो जाएगा आपका टाटा स्टील कंपनी के 60 शेयरों का नकद मूल्य क्या होगा, तो नकद मूल्य आपका 30000 रुपया हो। यही आपका आंसर हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि 10 रुपया वाले शेयर का बाजार भाव 16 रुपया है तो 1200 रुपया में वह कितने शेयर खरीद सकता है। तो लिखेंगे कि चूंकि 16 रुपया बाजार मूल्य है एक शेयर का, चूंकि 16 रुपया बाजार मूल्य है एक शेयर का, इसलिए एक रुपया बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1/16 शेयर का। इसीलिए हमें क्या कर रहा है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया बाजार मूल्य है 1/16 गुने 1200 शेयर का। तो इसको काट देंगे, 4 4 16, 4 3 12, अब यहाँ से 4 7 28 और 4 5 20, यानी आपका 16 से 4 से काटे 4 4 4 4 16 4 3 12 300, फिर 4 से काटेंगे 4 7 28 और 4 5 20, यानी 75 रुपया। तो क्वेश्चन क्या था कि आपका 10 रुपया वाले शेयर का बाजार भाव 16 रुपया है तो 1200 रुपया में वह कितने शेयर खरीद सकता है। तो 1200 रुपया में वो कितना शेयर खरीदेगा, तो 75 शेयर खरीद सकता है। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मैथ के थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और इसे आप लोग काफ़ी अच्छे तरह से तैयारी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले दिन मिलेंगे हम लोग।